बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ में मैं आपके साथ बाहर का सीन, खूबसूरत सीन दिखा रही थी। आज मौसम सुबह जब उठे ना तो बहुत ही प्यारा था। तो जी, यहाँ पे जो है वो मैं बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में जो है वो मैं बेटी के लिए ब्रेड बना रही हूँ, साथ में मैं साग को तड़का लगा रही थी, और साथ जो है वो मैंने चाय बनने के लिए रखी थी, और साथ ही जो है वो मैंने आटा भी गूंद के रखा हुआ था। तो हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दिया था, बेटी को भी दे दिया था। अब मैं अपने लिए जो है ना वो पराठा बना रही थी, और साग के साथ जो है ना वो पराठा खाने का मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे साग को भी तड़का लग गया था और पराठा भी तैयार हो गया है। बेटी को भी नाश्ता दे दिया, हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया, वो अपना नाश्ता रहे थे। अब जो है वो मैं यहाँ पे चाय छान लेती हूँ। चाय छानने के बाद तो बैठ के जो है वो अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। तो जी, यहाँ पे जो है वो मेरा मजेदार सा नाश्ता तैयार हो गया है। मेरी बेटी जो है वो भी पराठा और साग बहुत शौक से खा लेती है, तो हम दोनों माँ बेटी ने थोड़ा सा उसने साथ पराठा भी एंजॉय कर लिया था। तो जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं लगी थी सफाइयाँ वगैरह करने। मैंने कहा डाइनिंग टेबल को अच्छी तरह जो सारी चीज़ें साइड पे करके इसका कपड़ा जो है वो साफ़ करती हूँ, और सारी चीज़ों को दोबारा से तरतीब लगा के अच्छी तरह जो है वो रख देती हूँ। किचन जो है वो मैंने बर्तन वगैरह धो दिए थे और सारे काम जो है वो मैंने ख़त्म कर लिए थे। अब बस पूरे घर की जो है वो डस्टिंग वगैरह करूँगी। डस्टिंग वगैरह करने के बाद जो है फिर घर की सफाइयाँ करेंगे, और उसके बाद जो है ना वो बाकी अपने जो रूटीन के काम है ना काज, वो सारे जो है वो देख लेंगे और अपने रूटीन के सारे काम कर लेंगे। तो जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं टेबल साफ़ कर रही थी, और मेरी बेटी जो है ना जो मामू गिफ्ट लेके आए थे सफाई करने वाला ब्रश, वो लेके खड़ी थी कि मामा ने अब सफाई करनी है। तो मैं जो है वो मामा के साथ मिलके जो है ना वो हम सफाई करेंगे। तो वो ब्रश लेके खड़ी थी और मेरी तरफ़ देख रही थी कि मामा जल्दी जल्दी फ्री हों यहाँ से, और फिर हम दोनों माँ बेटी जो है ना वो मिल के जो है वो सफाई कर लेंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी सर ये सारा समेटा, ये टोकरी में जो फ्रूट है ना वो एक टोकरी में किया, और दूसरी टोकरी को मैंने खाली करके जो अंदर रख दिया था। तो यहाँ पे जो है ना वो मेरा डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ़ हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं आ गई थी किचन में। सारे काम शाम मेरे ख़त्म हो गए थे, सारा कुछ मैंने कर लिया था। तो आज जो है वो सुबह साग को तड़का लगाया था, तो वो भी अभी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि बाकी जो है ना वो साथ में क्या बनाऊं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सोचा कि साथ जो है ना वो थोड़े से पकोड़े बना लेती हूँ और साथ में दही भल्ले बना लेती हूँ। अगर रोटी खानी होगी तो साथ जो है ना वो साग पड़ा हुआ, तो साग के साथ रोटी खा लेंगे। तो शाम के लिए जो है ना वो स्नैक में मैंने जो है वो थोड़े से पकौड़े और साथ में दही भल्ले बना लिए थे। मैंने कहा ये जो है ना वो एंजॉय कर, दही भले वैसे खाने के लिए, और पकोड़े जो है ना वो भी के चलो साथ जो है ना वो थोड़े से जो है वो पकोड़े भी बना लेते हैं। मज़ेदार सा जो है ना वो शाम के लिए जो है ना वो स्नैक तैयार हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें जो है वो मैं साथ साथ तैयार कर रही हूँ। तो जी, यहाँ पे मैंने साथ साथ पकौड़ों में और साथ साथ जो है ना वो दही भल्लों में सारी चीज़ें डाल दी हैं, मसाले वगैरह डाल के। अब मैं इमली आलू बुखारे का जो शरबत है वो डाल रही हूँ दही भल्लों में, और इसके बाद इसमें दही डालूंगी, और आलू जो है वो मैंने छील के रखे हुए हैं आलू डालूंगी, और इनको जो है ना वो दही भल्लों को तैयार करके रेडी करके रख दूँगी। साथ में मैंने पकौड़े बनाए हैं, और साथ में मैंने बच्चियों के लिए जो है ना वो जो फ्राइज़ हैं वो भी मैंने थोड़े से आलू काट लिए थे कि बच्चों के लिए जो है ना वो फ्राइज़ बना देती हूँ। बच्चे फ्राइज़ ज़्यादा खुश होकर खाते हैं पकौड़ों की निस्बत ना। तो सब के लिए जो ना अगर अपने लिए ये चीज़ें बनाई हैं, तो बेटियों के लिए जो है वो मैंने फ्राइज़ की तैयारी कर ली है। तो जहाँ से अब जल्दी जल्दी जो है वो आलू छीलते हैं, आलू छील के दही भल्लों में डालती हूँ और इसको मिक्स करके बिल्कुल रेडी कर देती हूँ, और साथ में जल्दी जल्दी मिक्स करके पकौड़ों का सामान, और साथ जो है ना वो जल्दी जल्दी पकौड़े बना लेते हैं। तो जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया चूल्हे पे, और इसमें जो है वो मैंने ऑयल डाला है, पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं।
तो जी यहाँ पे जो है ना वो हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया था, इसके अंदर अब मैंने पकोड़े डाल दिए। पकोड़े डाल के इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसको निकालेंगे और फिर जो है वो साथ साथ जो है वो पकोड़े इन्जॉय करेंगे, साथ साथ बाकी जो अपने काम है ना वो भी साथ साथ कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे कि दही भल्ले हैं उनको भी आलू काट के साथ साथ डालती जा रही थी और साथ साथ जो है ना वो उनको मैं फाइनल जो है ना वो कर रही थी। तो किचन में खड़े खड़े जो है ना वो सारे काम कर लेती होती हूँ और मेरी बेटियाँ माशाल्लाह से साथ साथ खेल रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। कभी एक आ जाती है, कभी दूसरी आ जाती है देखने के लिए। तो यहाँ पे ये देखें दोनों बेटियाँ जो है ना वो माशाल्लाह से खुश हो रही थी और साथ साथ जो है ना वो अपना इंजॉय कर रही थी। तो जी यहाँ पे जो है ना वो हमारे दही भल्ले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और साथ जो है ना वो मेरे पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। एक दफ़ा जो है वो मैंने निकाल लिए थे, निकाल के जो है वो प्लेट में रखती हूँ और फिर दूसरी दफ़ा जो है ना वो पकोड़े इसके अंदर डाल दूँगी। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मेरे पकोड़े और दही भले बिल्कुल तैयार हो चुके थे। मैंने अपने हस्बैंड को गरम गरम दिए कि आप लोग जो है वो बैठ के खाएं और मैं साथ साथ जो है ना वो और निकाल लेती हूँ। मेरी बस मेरी जो है ना वो यही आदत है कि जैसे जैसे जो है ना वो चीज़ बनती जाती है वैसे वैसे गरम गरम इंजॉय करो और साथ साथ जो है ना वो नई नई बनाते जाओ। और मेरे हस्बैंड को भी बड़ी अच्छी था, जो चीज़ मर्ज़ी बना लूँ ना उनको हर चीज़ जो है उसमें उन्होंने कभी भी खाने में जो है ना वो कभी नुक्स नहीं निकाला कि ये ऐसा बना या वैसा बना। वो जो भी मैं बना लूँ जैसा भी बना लूँ वो बहुत खुश होकर जो है वो खा लेते हैं। ये जो है वो मेरे हस्बैंड की एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव जो बात है ना वो ये वाली है कि वो हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत खुश होकर और बहुत इंजॉय करके खा लेते हैं। तो जो चीज़ अच्छी होनी चाहिए उसकी ज़रूर तारीफ़ करें। तो और भी काफ़ी चीज़ें उनमें काफ़ी आते हैं जो है वो बहुत अच्छी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे जो है वो मेरे पकोड़े तैयार हो गए थे। अब जो है वो मैं बच्चियों के लिए जो है यहाँ पे फ्राइज़ बनाऊँगी। फ्राइज़ बना के तो बच्चियों के लिए जो है ना वो उनको फ्राइज़ दूँगी। तो जी यहाँ पे जो है ना वो हमारे पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं और मेरे फ्राइज़ भी तैयार हो चुके थे। फ्राइज़ को भी जो है वो प्लेट में निकालूंगी। एक साइड पे जो है ना वो मैंने टिशू रख लिया था ताकि जो इतना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो इसमें निकल जाए। तो मेरे जो पकोड़े हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, साथ साथ फ्राइज़ भी तैयार हो चुके हैं। इनमें जो है वो मैंने साथ में थोड़ी सी केचप और साथ में जो है ना वो मायो लगाई थी और मेरी बेटियों ने माशाल्लाह से दोनों ने बड़े खुश होकर खा लिए थे। तो जी यहाँ पे हमारे पकोड़े और फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बैठ के जो है वो इंजॉय करते हैं, साथ में बच्चों को खिलाएंगे। खाना खिलाने के बाद मेरा होता है कि मैं बच्चों के कपड़े लाजमी तौर पे चेंज करती हूँ ताकि जो उनका खाते हुए जो उन्होंने कपड़े वगैरह गंदे किए ना वो साफ़ हो जाएँ। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने सारा किचन समेटने के बाद अब हम लोग यहाँ पर बैठे थे बच्चों के साथ और बच्चों के साथ जो है वो बैठ के इंजॉय कर रहे थे। और बच्चे जो हैं ये देखें बास्केट के अंदर जो है ना अनाबिया को बिठा के और नकाशा जो है वो उसको धक्का लगा रही थी और वो इतनी खुश थी कि मुझे झूले मिल रहे हैं। तो दोनों बच्चे माशाल्लाह से यहाँ पे खेल रहे थे और साथ साथ जो है ना वो क्यूट क्यूट सी शरारतें कर रहे थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।